बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक है हमारा सब पार्टनर। तो डायग्राम देखिए, आप सामने बोर्ड पे देखें, ए बी सी डी चार पार्टनर है, इनके दरमियान पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टनर्स को कलेक्टिवली कहते हैं फर्म। डी का अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ में जेड के साथ नैन मटक्का चल रहा है। तो डी का जेड के साथ जो नैन मटक्का चल रहा है, डी जेड के साथ एग्रीमेंट करता है कि मुझे जो भी प्रॉफिट्स मिलेंगे उसका 20% मैं तुम्हें दिया करूंगा। डी की पर्सनल लाइफ है, जो भी करे, गटर में फेंक दे, पब में चला जाए, कैसीनो में चला जाए, मस्जिद में चंदा दे दे, जो भी करे, उसका अपना पैसा है, उसका अपना हेडेक है, जो भी करे। तो वो उसको जो भी प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, अगर वो उसमें से जेड को 20% दे रहा है, 30% दे रहा है, व्हाटएवर, जितना भी शेयर दे रहा है, वो उसका जाती मसला है। तो हम कहेंगे जेड इज अ सब पार्टनर ऑफ डी, जेड इज अ सब पार्टनर ऑफ डी। अब सवाल, अब क्या क्या कर सकते हैं? क्या जेड फर्म के बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, कर्जों के लिए, फर्म के मामलात के लिए कस्टमर्स कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को लायबल होगा? इसका जवाब है नो। क्या फर्म जेड के करतूतों के लिए लायबल होगी? नो, फर्म जेड के करतूतों के लिए लायबल नहीं होगी, जेड फर्म के करतूतों के लिए किसी को लायबल नहीं होगा। ये डी और जेड का आपस का मसला है। जेड इज अ सब पार्टनर ऑफ डी। सवाल ये पैदा होता है, डी ऐसा क्यों कर रहा है? तो हम डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ में पढ़कर आए थे। सिविल लॉ में वाई का क्वेश्चन नहीं होता, मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है, तो वाई का क्वेश्चन नहीं होता। डी ये क्यों कर रहा है? उससे हमें गर्ज नहीं है। हम सिविल लॉ में कभी भी क्यों का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो सब पार्टनर वो शख्स है जिसका एक पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और पार्टनर अपने प्रॉफिट्स में से कोई परसेंटेज उसको देता है। क्यों देता है? लॉ इस चीज में एंटर नहीं हो रहा। अहम बात ये, सब पार्टनर फर्म के करतूतों के लिए लायबल नहीं है, फर्म सब पार्टनर के करतूतों के लिए लायबल नहीं है। हास्ता लाविस्ता,